हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। और ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं और आपसे डिस्कस करूंगा कि और कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला नोटिफिकेशन आया ये है जीके महाविद्यालय कवरबंधा। ओके, तो ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन जो आया है गोंडिया से आया है। अब देखिए, यहाँ पे जो है इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए जो है एप्लीकेशन को इनवाइट किया है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो सब्जेक्ट है वो मेंशन कर रखे हैं, साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो मेंशन कर रखी है, नेचर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखी है, नेचर ऑफ वैकेंसी मेंशन कर रखी है, और कैटेगरी और जो नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो सारा जो है यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। तो अब आप जो भी सब्जेक्ट के एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप जो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मराठी, जूलॉजी, बॉटनी, देखिए मोस्टली यहाँ जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो देखिए, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, जूलॉजी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 वैकेंसीज हैं, बॉटनी में 3 वैकेंसीज हैं, और देखिए जो नेचर है वैकेंसीज का, ये पूरा फुल टाइम यानी कि परमानेंट और फुल टाइम है। ठीक है, तो ये है सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी। तो आप जिन भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके थ्रू जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के। तो देखिए, यहाँ पे स्केल जो आपको दिया जाएगा वो मिलेगा एज पर यूजीसी या स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब बात करते हैं हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स होना चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉटनी में फिल कर रहे हैं तो आपका जो एमएससी होना चाहिए वो बॉटनी में होना चाहिए। अगर आप जूलॉजी से कर रहे हैं तो आपका एमएससी जो है जूलॉजी में होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है सीएसआई यूजीसी नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, या आपका कोई सेट लाइक एग्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप जिन्होंने अपना पीएचडी जो है वो 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनके लिए कोई भी नेट या स्लेट या सेट का एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी नहीं है। तो विदाउट नेट एंड स्लेट आल्सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर उन्होंने 2009 से पहले जो है रजिस्ट्रेशन किया तो कोई भी नेट स्लेट कुछ नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन यहाँ पे जो उनका पीएचडी डिग्री है वो अवार्ड होना चाहिए रेगुलर मोड में। साथ ही साथ जो पीएचडी थीसिस है इट शुड हैव बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एग्जामिनर्स एंड ओपन पीएचडी वाई वॉयस उसका होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका जो थेसिस से 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। साथ ही साथ जो है उन्होंने अपने 2 पेपर जो है कोई कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स में भी प्रेजेंट कर रहे होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है अपना पीएचडी जो है वो 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया था। इसके अलावा अगर आपने अपना पीएचडी जो है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो आपका जो फॉरेन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो टॉप 500 में आना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने रैंकिंग जो है यहाँ पे वेरीफाइड रहेगी क्यूएस की, टीएचई की, एआरडब्ल्यूई, तो इनमें से किसी एक जो रैंकिंग है उसमें आपका यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं या डिफरेंसली एबल्ड है या फिजिकली हैंडीकैप है। वहीं अगर आपको जो है यहाँ पे जो है अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं तब भी जो है आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो देखिए, यहाँ पे आपको करना कि आपको अपने प्लेन पेपर में या प्रिस्क्राइब परफॉर्मर में आपको जो है अपना जो सीवी है वो अटैच करना है, या अपने प्लेन पेपर में आप जो है अपनी क्वालिफिकेशंस या टेस्टिमोनियल्स जो भी हैं आपके पास वो सब जो है आपको फिल करना है, या आप जो है अपना सीवी अगर आपने बना रखा है तो सीवी को अटैच करिए, और साथ ही साथ प्रूफ के लिए अपना जो है टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेट का सर्टिफिकेट या गेट का सर्टिफिकेट, या आपका जो है लाइक कुछ और क्वालिफिकेशंस है उन सबको जो है आपको सेंड करना है। और यहाँ पे देखिए, जो पोस्टल ऑर्डर बनेगा वो 100 रुपीज़ का बनेगा, और जो यहाँ पे फेवर रहेगा वो रहेगा इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर। और आपको यहाँ पे साथ ही साथ जो है आपकी सर्टिफाइड कॉपीज, अपनी जो टेस्टिमोनियल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारा जो है आपको सेंड कर देना है। देखिए, अगर आप बात करें वो कहाँ सेंड करना है, तो देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है वो मेंशन कर रखा है, जीके महाविद्यालय कवराबंद एट पोस्ट कवराबंद तल सलेसा डिस्ट्रिक्ट गोंडिया। तो यहाँ पे जो है आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म या सीवी है उसका जो अटैच टेस्टिमोनियल्स और जो 100 रुपीज़ का जो पोस्टल ऑर्डर वो सारा जो है आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। तो दूसरा नोटिफिकेशन आया श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज धौलागुआ न्यू दिल्ली से आया। तो यहाँ पे देखिए, द सिलेक्शन कमिटी मीटिंग टू इंटरव्यू टू द कैंडिडेट फॉर द पॉइंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन अ एडॉक बेसिस इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट आर शेड्यूल्ड एज फॉलो। तो यहाँ पे देखिए, एडॉक बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे कुछ पोस्ट को निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, बॉटनी, फिजिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, केमिस्ट्री,
इन सब्जेक्ट्स में पोस्ट को निकाला गया। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दो नंबर ऑफ पोस्ट है वही मेंशन कर रखी है और इंटरव्यू डेट यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आई थिंक यहाँ बॉटनी फिजिक्स का जो है वो ओवर हो चुका है, लेकिन आप संस्कृत हिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कैटेगरी वो भी यहाँ पे मेंशन करी जा रखी है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स बायोकेमिस्ट्री इकोनॉमिक्स, तो सबका देखिए पोस्ट मेंशन कर रखा है और डेट ऑफ इंटरव्यू मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो पोस्ट हैं ये सब जो एडॉक बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारा मेंशन कर रखा है। इसके बाद आपको करना क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अटेंड द इंटरव्यू अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ETC एज पर द शेड्यूल। तो ठीक है, तो आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम जो है वो हाफ एन आवर रहेगा। तो आपको जो है वेंकटेश्वरा कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो फिजिकली आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे जो है आपको श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो है हाफ एन आवर प्रायर जो है आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ताकि जो है आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी चीज़ें हैं वो आप जो है कर सकें। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये एडॉक बेसिस पे है। यहाँ पे देखिए एडॉक बेसिस में मेंशन कर रखा है, तो ये कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, यहाँ पे जो है एडॉक बेसिस पे जो है यहाँ पे आपको रखा जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।